हमको ये देखना है कि हाउ वी कनेक्ट टू द U35। आप सारे लोग चले U35। मैं U35 से थोड़ा बाहर निकल रहा हूं, मैं 45 भी इसमें चल रहा हूं। बट आपका एक दूसरे से बात करने का टोन अलग होगा, आपका एक दूसरे की कंसर्न अलग होंगे, आपके अंदर डेवलपमेंटल नीड भी चल रही है, यू आल्सो हैव अ नीड कि आप कैसे जल्दी अर्न करें वो भी चल रहा होगा कि आज ही रात में है पबजी खेलते हैं ना आज कर रहा हूं। कितने लोग ऐसे सोचते हैं और कितने लोगों ने खेला है, इम्पैक्ट पड़ा है किसी पे? देयर वाज वन ऑफ द स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड बाय माय फ्रेंड इन जर्मनी, तो उसने देखा कि व्हाट इज द चेंज ऑफ द बिहेवियर ऑन यूजिंग द ई गैजेट और द इंटरनेट। तो ये देखा कि जो लोग ज्यादा देर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट, उनके एटीट्यूड में भी फर्क पड़ता है और उनके ना फिजिकल भी फर्क पड़ता है। दे आर ग्रोइंग विद अ सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आईज खराब होती है। ये इस वाली स्लाइड के अंदर मेरा ये आपको सेंसिटाइज करना है कि अभी तक जो हुए हैं हेल्थ टेक जो इनोवेशन स्टार्टअप आए हैं फॉर टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन फार्मेसी के लिए, विच इज अ चैलेंज बिकॉज देयर इज अ नीड टू रेगुलराइज दोस थिंग्स। अभी इसको रेगुलराइज करने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी हैं, जिससे कि आपने फार्मेसीज को देखा होगा एंड सरप्राइजिंगली यू कैन सी व्हाट इज द मैजिक दे आर हैविंग देयर ग्रोथ ऑफ 50% फ्रॉम 2014 टू 19। जिस किसी ने भी ई फार्मेसी खोला अरे की ग्रोथ जो 50% से ज्यादा हुई, कैसे हो रही थी? क्योंकि फार्मेसी वाले चले जो लोग थे कोई भी डिस्काउंट नहीं देता था, इसको देखते हुए उनको प्रेशर पास करेंगे 10-15% या 20% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। तो दैट मीन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है और जो मार्केट में कंज्यूमर को आ रहा है इन द पीक क्या है, उसका हमने फायदा उठा के अपनी ग्रोथ को सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट किया एंड देयर 14% of the startup out of the 900+ startup in the health tech sector. So, जितने भी startup खुले इस period के अंदर जो exactly 2008 में हमारा 17 के अंदर उसके अंदर 9000 से ज्यादा startup खुले, जिसमें 14% जो थे health tech से related, जो कि health को है ना cover करते हैं। They use the AI technology और internet of things technology. So these are, we all know that TATCO is a, your platform where you can find a doctor, उससे आप appointment वगैरह कर सकते हैं। This is a one of the startup. There is a one of the startup. So it is a atmosphere and this deals with the individual medical report. They provide a secure and organized health report. So they are connected. ये जो लोग हैं ये corporate के साथ connect कर रहे हैं और corporate के साथ connect करके क्या कर उनका जो आपकी देश बहुत कितने लोग आजकल है ना वो हेलमेट पहने हुए आई थिंक है ना हर एक चीज पे आपके जो रिस्क है मुझे फिटनेस बैंड दिखता है या नहीं दिखता। अब टाइटन या एच एफ टी कोई घड़ी पहनता है, एच एफ टी घड़ी कोई पहनता है नहीं, इधर की तरह का वॉचेस विच आर वेरी कॉस्टली और इधर का वॉचेस प्रोवाइड फॉर हेल्थ बैंड। तो नाउ द वॉच चेंज इज रिप्लेस्ड बाय द फिटनेस बैंड। तो ये फिटनेस बैंड के भी डेटा उठाते हैं एंड दे प्रोवाइड सर्विस द कॉम्प्लेक्स वेलनेस प्रोग्राम वेयर दे सी ऑल द डेटा। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम आपकी पल्स कैसे चल रही है, ब्रीदिंग रेट क्या है, जब आप है ना ऑफिस में काम कर रहे हैं वेदर ऐसा तो नहीं कि आपको है ना एक बॉयलर में रख दिया है बॉस आपको आके आपको बार बार है ना उबलता हुआ तेल डाल रहा है एंड यू आर हैविंग अ जस्ट ग्रीन फिजिकल है। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग है ना स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे थे फार्माकोलॉजी लैब में, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है देन इट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन कि यार ये वाला बॉस ने करना बॉस है इसको लेके यार चेंज करो, देयर शुड बी सम एचआर पॉलिसी। वरना क्या होगा ऑफिस में किसी को है ना काम करते करते हार्ट अटैक पड़ जाएगा तो उसका एक्सपेंस क्या आएगा, एक तो के डायरेक्ट मॉनिटरी एक्सपेंस उससे फर्क नहीं पड़ता बट इनडायरेक्ट नया आदमी को भी आपको सिखाना पड़ेगा तो उससे हमारा काम से रुक जाएगा। इसकी वजह से इसकी है ना इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैन कम द योर डॉक प्रैक्टिस इट इज अ बेसिकली प्लस डॉक प्रैक्टिस इज ओनली है ना फॉर द क्लिनिशियन। तो इसमें क्लिनिशियन को कैसे है ना एजुकेशन देना है हाई एंड एजुकेशन देना है जिससे कि उनकी डिसीजन मेकिंग एक्शन
ये सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाया गया है. देन कम्स द अनदर सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प ऑन द मशीन लर्निंग और मशीन इंटेलिजेंस एंड इट एम्स टू रिड्यूस द ब्रेस्ट कैंसर फेटलिटी बाय अर्ली डिटेक्शन एंड दे यूज सम ऑफ द एंटी डैंड्रफ शैम्पू. करने का मतलब है जिंक पाइरोक्सिल पड़ा होता है बेसिकली इट वाज अ केमिकल. उसकी प्रोफाइल पूरी हमें नोन है. उसकी प्रोफाइल नोन है. ओनली थिंग वी हैव डेवलप्ड सम ऑफ द एफिस डेटा ब्रिजिंग कर दिया हमने कि एक जो अक्यूट टॉक्सिसिटी पता है, रेडिकोस पता है, इन्हेलेशन पता है, स्किन की पता है, जो मुझे नहीं पता थी उसका मैंने डेटा जनरेट किया एंड आई हैव टेकन एन अप्रूवल फॉर मेकिंग अ शैम्पू. तो हम है ना वो भी केमिकल ले सकते हैं. बहुत सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आते हैं जिनकी प्रोफाइल एंड तक हमें पता है. तो वी कैन लुक फॉर द रिपर्पजिंग ऑफ द टीम. सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडी आई थिंक एवरीवन नोस कि किसी भी दवा का जो है इफेक्ट जो है नॉन टॉक्सिक डोज में द डोज व्हिच यू आर प्रपोज फॉर द ह्यूमन उस पे है ना वाइटल ऑर्गन पे क्या होगा. तो दीज आर द इफेक्ट व्हिच आर मेजर व्हाट आर द एसेंशियल फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर and after that you can do some follow up. So basic are the BPA, BCGA for these. Then moving forward, the various phases of clinical trial. आज तक आपको सारे विषय में पढ़ाया होगा तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है. But this is a requirement and it should be done under the GCP compliant clinical trial. Ethics committee only. Ethics committee should be approved from the CDSC. India के लिए trial करने का CDSC approved होनी चाहिए. अगर आपको बायोमेडिकल रिसर्च करनी है तो सीबीएसईओ की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. यू कैन टेक अप्रूवल फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ एथिक्स कमिटी. उसके लिए मैं डॉक्टर पीयूष से बात कर रहा था कि आप फार्मेसी कॉलेज में भी अपनी एक अलग से एथिक्स कमिटी बना सकते हैं जहाँ पे आप बायोमेडिकल रिसर्च का काम करोगे. बट वेन यू हैव टू सबमिट एनी डेटा फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल क्लेम के लिए वो सीबीएसई अप्रूवल. Then the requirement for post-marketing and not least or not the last, this is the one of the slide which provide you ideas like आपने कोई product develop कर दिया तो उसकी stability की नई requirement क्या है. कि भाई तीन आपको primary batch का data होना चाहिए. data जो है उसकी condition क्या होनी चाहिए, क्या duration होनी चाहिए. तो मैं ये कहूँगा कोशिश कि अगर आपने collaborate करके काम किया आपने मैं इसको बंद करता हूँ पहले तो क्योंकि अदरवाइज मैं यू विल फील कि लाइफ खत्म नहीं होती है. कि कुछ है ना रिक्वायरमेंट ऐसी है विच इज रिलेटेड टू द क्वालिटी. तो मैंने इस स्लाइड जो किया है आई टेकन द स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द सीईओ ऑफ द एनएबीटी एंड द सीसीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक काउंसिल है जो कि एनएबीएल जितने भी टाइप की एक्रेडिटेशन होती है उसको कंट्रोल करती है. तो उनकी स्लाइड में ये वाला अभी रीसेंट है ना कहते हैं जनरल की प्रेजेंटेशन थी उसमें वे फॉरवर्ड फॉर द ड्रग एंड द फार्मा सेक्टर था. देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि फार्मा सेक्टर जो है मैनेजमेंट सिस्टम की सर्टिफिकेशन ले एंड दीज आर द सम ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ द आईएसओ. देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेशन व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस सर्टिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट वो हमें एरिया है. They are setting certification for testing of the product and calibration test in the process. उसमें ISO standard define किए गए हैं and similarly for the inspection of the facility and the product. तो कुछ लोग आपने ऐसे भी होंगे जिनको कि esteem या interest जो होगा quality control या quality assurance में होगा. तो they should have been aware of what is the quality requirement. और इसी का जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में pressure है कि जैसे कि अभी आपने देखा कि नोएडा की एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का युगांडा या डेटा घटना एक सीरप गया वहाँ पे जाके मॉर्टिलिटी और प्रेगनेंसी हो गया. इससे क्या होगा एक रेपुटेशन खराब हो गई. तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को ये चाहती है कि हर एक फार्मा कंपनी जो है अपने एक फार्माकोविजिलेंस सेटअप करे. नॉट ओनली द फार्माकोविजिलेंस सेटअप बट दे शुड हैव इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द क्वालिटी चेक फॉर ऑल दी प्रोसेस. ये हर एक का क्वालिटी चेक होना चाहिए. और यहाँ पे रेपुटेशन बढ़ना क्या होगा कोई ना आपके सेल कपड़े पहन के यहाँ बैठ जाएगा और कहेगा कि हमारा जो है ईयूबी का मैं स्टूडेंट हूँ और किसी के साथ बदतमीजी कर देगा तो नाम किसका होगा ईयूबी का होगा. सिमिलरली ऐसा हुआ है शायद
कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को डीमोटिवेट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए दूसरों ने उस प्रोडक्ट को बनाया और उसको लेके मार्केट को पंप कर दिया। तो हमारा क्वालिटी सिस्टम ऐसा होना चाहिए विच कैन चेक द इवन द काउंटरफिट प्रोडक्ट। तो दिस इज अ वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन दिस एंड द इंडस्ट्री फोकस। अभी जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं हर एक का हमें कमी मार्केट में मिल जाएगा। With this, I end my session. I have worked on all these platforms and provide contribution to board. If you have any question or the idea, we can support you in the initial screening of the idea and thereafter look for how we can work and collaborate. Thank you. Thank you.